सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मूविंग फर्दर ऑन इंडियन economy आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बात करेंगे ओके okay. पिछले लेक्चर में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात किए थे मेरा सजेशन आपसे होगा पिछले लेक्चर को एक बार फॉलो कर लें एज ऑफ टुडे देर आर ट्वेंटी टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया ओके वी आर टॉकिंग अबाउट एटींथ ऑफ जुलाई टू जीरो टू जीरो सो एज ऑफ टूडे वी आर हैविंग ट्वेंटी टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया ओके टोटल नंबर इज ट्वेंटी टू अगर इसके हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री पर आ जाए तो देर आर नंबर ऑफ बैंक्स बैंक का इतिहास बहुत पुराना भारत में रहा है ओके okay. लेकिन जो प्रोमिनेंट बैंक्स थे फाइन इन इन दैट वी कैन से देर वॉज अ बैंक नेम्ड फेडरल बैंक आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोग इस पर एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे एल रिफॉर्म्स पर एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे बेसिकली वो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को दर्शा रहा है जो कि उन्नीस में हुआ था ओके okay. कह सकते हो कि प्रायर टू दिस आवर इकोनॉमी वॉज क्लोज एंड आफ्टर दिस आवर इकोनॉमी बिकेम ओपन ओके देर वॉज अ प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसके वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उस पर हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे तो उन्नीस सौ इक्यानवे से पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा बिफोर एल पी जी रिफॉर्म्स देर वॉज अ बैंक नेम्ड फेडरल बैंक ओके और यह फेडरल बैंक का यू कैन से हेडक्वार्टर वॉज अलुवा अलुवा इज इन केरला ओके देर वॉज अ बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक बेसिकली ये सी एस बी के नाम से ही जाना जाता है यू कैन राइट सी एस बी एंड इट्स हेडक्वार्टर वॉज थ्रीसूर अगेन इन केरला ओके देर वॉज अ बैंक धनलक्ष्मी गेन हेडक्वार्टर इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन केरला केरला बेस्ड बैंक देर वॉज अ बैंक साउथ इंडियन बैंक ओके अगेन हेडक्वार्टर डेट थ्रीसूर इन केरला तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चार बैंक जिसका हेडक्वार्टर केरला था और थोड़ा सा रीजनल बेस्ड कह सकते हो बैंक ये थे आ, लास्ट लेक्चर अगर आप फॉलो किए होंगे तो हम लोग उसमें बात किए थे कि देर वॉज ए एलिजिबिलिटी इन फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन एज वेल एज सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन वो बेसिकली उसके कैपिटल की बात हो रही थी जहाँ फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन में 50 करोड़ या उससे अधिक अगर uh, पूंजी कैपिटल थी तो उसको नेशनलाइज कर दिया गया था एटीन सॉरी नाइनटीन में नाइनटीन ऑफ कह सकते हो जुलाई ओके okay. और दूसरी बार इन फिफ्टीनथ अप्रैल नाइनटीन Uh, फिर से नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में ओके okay? और उस वक्त एलिजिबिलिटी uh, रखी गई थी 200 करोड़ तो ये सारे बैंक्स उस एलिजिबिलिटी में नहीं आते थे तो इनका नेशनलाइजेशन उस वक्त नहीं हो पाया था ओके सो दीज फोर बैंक्स कह सकते हो केरला बेस्ड बैंक्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज अ बैंक लक्ष्मी विलास एंड इट्स हेडक्वार्टर वॉज चेन्नई इन तमिलनाडु फाइन देर वॉज अ बैंक यू कैन से तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक तमिलनाडु Mercantile. दिस वर्ड has कम फ्रॉम mercantilism. ये एक इकोनॉमी पूरा एक विचारधारा है ओके इस पर हम लोग कभी बात करेंगे ओके इट्स हेडक्वार्टर वॉज थुत्तुकुड़ी again in tamil nadu there were couple of more banks based in tamil nadu okay the other one was city union bank city union bank headquarter at thanjavur again in tamil nadu and finally there, were, there was one more bank, uh, Karur Vaisa Bank, headquartered at Karur. It is a place in, it is a city in Tamil Nadu. Very famous city, famous for your, uh, you may say, uh, exports, exports of handloom exports as well as. Uh, ब्लैंकेट एक्सपोर्ट्स इट एक्सपोर्ट्स टू यूएसए इवेंट ओके करोर इन तमिलनाडु सो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि चार बैंक केरला बेस्ड था जिसका हेडक्वार्टर केरला है और चार बैंक तमिलनाडु बेस्ड था हम लोग बात करें उन्नीस सौ इक्यानवे से पहले की उन्नीस सौ इक्यानवे से पहले देर वेर ट्वेल्व बैंक प्रायर टू नाइनटीन नाइनटी वन टोटल नंबर ऑफ बैंक वेर 12 इन नंबर ओके अपार्ट फ्रॉम दिस देर वाज अ बैंक नैनीताल बैंक नाम ही बता रहा है इसका हेडक्वार्टर नैनीताल होगा देर वाज अ बैंक कर्नाटका बैंक बट ऑबियस है इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में ही कहीं होगा तो अ वेरी फेमस सिटी मैंगलोर अगेन इन कर्नाटका There was a bank, Jammu and Kashmir Bank, headquartered at Srinagar. Okay, just hold on. There was a bank, RBL. रत्नागिरी बैंक लिमिटेड इसको पहले कहा जाता था तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था तो दीज वेर द ट्वेल्व बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप देख पा रहे होंगे चार केरला बेस्ड है चार तमिलनाडु बेस्ड है एक कर्नाटका एक नैनीताल एक श्रीनगर और एक मुंबई ओके तो देर वेर ट्वेल्व बैंक्स जो कि प्रायर 1991 की बात हो रही है एल रिफॉर्म्स से पहले की बात हो रही है ओके अब एल रिफॉर्म प्लेड अ वेरी वाइटल रोल एलपीजी रिफॉर्म में टर्म आया था लिबरलाइजेशन ओके प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फाइन तो ये टर्म पर अगर आप थोड़ा स्ट्रेस दोगे दैट मीन्स देर वॉज अ नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ओके मतलब कॉम्पिटिशन uh, थोड़ा सा कह सकते हो uh, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स थे ओके okay, उसमें कंपटीशन की थोड़ी कमी थी ओके okay, और देर वर नंबर ऑफ थिंग रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था ओके okay, उस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे आज का एजेंडा बस और बस प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में जानने का है तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो दूसरे टर्म को अगर आप पकड़ कर चलोगे तो देर वॉज अ नीड ऑफ प्राइवेट एंटाइटीज़ प्राइवेट प्लेयर्स कुछ और ई I मीन mean, uh, उस वक्त की इकोनॉमी की नीड थी ओके okay? तो एक कमिटी बनी थी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी हेडेड बाई एम नरसिम्हम जिसको हम लोग नरसिम्हम कमिटी कहते हैं ओके नरसिम्हम कमिटी इनफैक्ट नरसिम्हम कमिटी वन इसको कहा जाता है और इन्होंने रिकमेंड किया इस पर हम लोग बात कर चुके हैं आप एक बार आरबीआई वाला क्लास देख लेना आरबीआई पर हम लोग का एक डेडिकेटेड uh, लेक्चर है जिसमें हम लोग बात किए थे नरसिम्हम कमेटी नरसिम्हम नरसिम्हम वॉज बेसिकली एक्स आरबीआई गवर्नर ओके तो नरसिम्हम वन कमेटी जो बनी थी तो इसने रिकमेंड की टेन न्यू प्राइवेट बैंक्स ओके नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई एच डी एफ सी देन यू हैव डी सी बी डेवलपमेंट एंड क्रेडिट बैंक देन यू हैव आई डी बी आई देन यू हैव इंडस एंड ओके एंड फाइनली एक्सेस इसका पहले नाम यूटीआई हुआ करता था तो यहाँ पर हम छः इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज उस रिकमेंडेड जो दस प्राइवेट बैंक्स थे उसमें केवल छह ही मौजूद है जो अपार्ट फ्रॉम दैट जो चार थे वो बंद हो चुके हैं ओके okay. अब वो जो, जो चार बैंक बंद हुए उसमें थे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सेंचुरियन बैंक आई शुड राइट हियर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक देन सेंचुरियन बैंक टाइम्स बैंक एंड बैंक ऑफ पंजाब तो रिकमेंड किया गया था ये दस बैंक को ओपन करने के लिए ओके और इनकी अनुशंसा को मानी गई इनकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने माना और उन्नीस में ये दस बैंक बन गए ओके 1994 ये सब स्टैब्लिश हो गए खास बात इसमें से जितना भी आज मौजूद है वो सबका हेडक्वार्टर मुंबई है ओके सो यू कैन वेरी इजली मेमोराइज द थिंग्स ओके तो ये बात हो रही थी नरसिम्हम कमिटी वन की आफ्टर दैट अगेन नरसिम्हम कमिटी बनाई गई जिसको हम लोग नरसिम्हम कमेटी टू कहते हैं ये सेवन नाइन्टी की बात हो रही है जिस जिसके रिकमेंडेशन को मान, मानने के बाद 2004 में टू मोर प्राइवेट बैंक्स वेर एस्टैब्लिश ओके जिसमें एक था यस बैंक और दूसरा था कोटक महिंद्रा बैंक ओके okay. खास बात इन दोनों का भी हेडक्वार्टर मुंबई एक तीसरी बार बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कमिटी बनी बिमल जलान कमिटी इस पर भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं बिमल जलान कमिटी बहुत रिसेंट है ये। ओके ये बनी थी बेसिकली 2013-14 में और इसके रिकमेंडेशन को मानने के बाद 2015 में दो और बैंक्स बनाए गए दो दो और प्राइवेट बैंक बनाए गए जिसमें एक था बंधन बैंक सबसे रीसेंट है ये, और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई ओके अब अगर कंसोलिडेट किया जाए तो ये बारह बैंक जो प्रायर टू नाइनटीन थे वो आज भी हैं। ओके फाइनल कॉन्सोलिडेशन अगर हम लोग करें तो ये बारह बैंक जो प्रायर टू 1991 थे वो आज भी हैं। okay, दस तो बैंक रिकमेंड किया गया नरसिम्हम वन के द्वारा आई शुड राइट टेन हियर जिसमें से ये चार बंद हो गए क्लोज्ड। के सो आई शुड राइट माइनस फोर नरसिमहम टू ने फिर से दो रिकमेंड किया यस बैंक बैंक और कोटक महिंद्रा को सो इट्स प्लस टू एंड फाइनली बिमल जलान कमेटी ने फिर से रिकमेंड किया दो और बैंक के लिए दैट मीन्स अगेन प्लस टू सो यू मे सी टोटल नंबर कम्स टू ट्वेंटी टू ओके आई होप थिंक सर वेरी क्लियर सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इससे ज़्यादा जीएस प्रो आई डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन में सवाल कुछ बनता है वंस अगेन आई शुड रिपीट नरसिम्हम वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नरसिम्हम टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके आपको ध्यान रखना होगा कि नरसिम्हम वन के वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे नरसिम्हम टू के वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और बिमल जनाल कमेटी के वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हम लोग आर वाले क्लास में इस पर बात कर चुके हैं स्टिल आई शुड गिव अ फ्लैशबैक नरसिम्हम वन के वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे नरसिम्हम टू के वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के वक्त आपके uh, पी चिदम्बरम थे और जब एक्सेप्ट किया गया था रिपोर्ट तो उस वक्त यशवंत सिन्हा थे और बिमल जलान के वक्त भी पी चिदम्बरम वो 2014 की बात हो रही है बिफोर योर मोदी गवर्नमेंट ओके सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू